बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। उम्मीद है सारे बच्चे खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपनी ऑनलाइन हमारा सेकंड लेक्चर है उसका आगाज़ करते हैं। क्लास हमारे पास 8th है, साइंस का उनका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 था हमारा जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स, ठीक है। यानी ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो माइक्रोब्स के जरिए डिकम्पोज होते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, बायोलॉजिकल, कंपोस्टेबल या डिग्रेडेबल, ठीक है। तो जो है फर्स्ट ऑप्शन ए बायोडिग्रेडेबल हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास विच ऑफ दीज आर नॉट मेड यूजिंग माइक्रोब्स। ब्रेड है हमारे पास, चीज़ है, लेमन कर्ड है, योगर्ट है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास सी लेमन कर्ड इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एथलीट्स फूड इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, फंगस, म्यूटेशन या वायरस। तो हमारे पास ये जो एथलीट्स के फूड पे हमने पढ़ा भी था, रिंगवर्म जो है वो फंगस की वजह से होती है। उसके बाद है डिजीज आर मोस्टली लाइकली स्प्रेड बाय कफिंग ऑन समवन, लुकिंग एट समवन, टचिंग समवन, वेविंग टू समवन। तो जब किसी दूसरे के ऊपर छींकते हैं तो वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है, ये डिजीज़ कफिंग ऑन समवन, ठीक है। उसके बाद इम्यून मीन्स वंस यू हैव अ डिजीज़, सो ऑप्शन हमारे पास है देर इज़ अ गुड चांस यू विल गेट इट अगेन, देर इज़ अ गुड चांस यू विल नॉट गेट इट अगेन। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास का आंसर है। उसके बाद हमारे पास टू फॉल्स हैं, ठीक है। नॉट ऑल फंजाई आर माइक्रोब्स, हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। कंपोजिट बीन्स हैव एन ओपन बॉटम टू अलाउ एयर इन टू द हीप, ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है रिंगवर्म इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय अ माइक्रोस्कोपिक वर्म, ठीक है, कि माइक्रोस्कोपिक वर्म की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोब्स दैट इंटर द बॉडी आर क्विकली डिस्ट्रॉयड बाय ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, ये हमारे पास सही है। उसके बाद जो है सम एंटीबॉडीज डिजॉल्व द वॉल्स ऑफ माइक्रोब सो दैट दे बर्स्ट ओपन एंड डाई, ये भी हमारे पास जो है ट्रू है। अच्छा, क्लास 8 थी, हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज थी हमारे पास, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दी है। उसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 12 है उसको हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें जो है अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपने क्वेश्चन करने हैं पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करवाती हूँ, देन इसके आपको मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊँगी। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा जी, प्लैनेट अर्थ हमारे पास आवर होम वाज फॉर्म्ड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम अ मैस ऑफ पार्टिकल्स स्विरलिंग अराउंड द सन, ठीक है। जो हमारी प्लैनेट है अर्थ सियारा जो हमारा यानी जो हमारा घर है वो 4.6 बिलियन साल पहले जो था इसका जो है डिस्कवरी हुई, ठीक है। फ्रॉम अ मैस ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैस पार्टिकल्स का मैस था, स्विरलिंग अराउंड द सन, जो जो है सन यानी सूर्य का ग्रिड था, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय थिक ब्लैंकेट ऑफ गैस, ठीक है। ब्लैंकेट बोलते हैं जस्ट हम ब्लैंकेट अपने कंबल वगैरह को बोलते, लेकिन इसमें जो है हम इसको एज अ लेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑफ गैस, ठीक है। गैसेस का एक अमेजा है, ठीक है, द एटमोसफियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट या हमारा माहौल जिसको हम अपनी फिजा बोलते हैं। एंड मोस्टली कवर्ड बाई वाटर, ठीक है, वाटर से कवर होता है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, यानी हमारी जो ज़मीन है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द वंस एवरी 24 आवर्स, ठीक है, हर जो है 24 घंटे के बाद। एंड ऑर्बिट्स द सन कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, हमारी ज़मीन के गिर्द तो 24 घंटे में घूमती है लेकिन ऑर्बिट द सन कॉन्टीन्यूसली, यानी इसी तरह जो है सन के गिर्द भी लगातार यानी कॉन्टीन्यूसली वो जो है हरकत कर रही है, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो है हाउ ओल्ड इज़ प्लैनेट अर्थ, कि हमारी जो है प्लैनेट अर्थ कितने साल पहले इसका आगाज़ हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारे पास 4.6 बिलियन ईयर्स अगो के 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है इसका डिस्कवरी हुई थी, इसका ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास जो होम असाइनमेंट है आपकी वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने लर्न करना है, ठीक है, प्लस राइट, इसको राइट भी करना है, ठीक है, और एक्सरसाइज जो है आपकी उसको आपने जस्ट लर्न करना है, उसको राइट ही करना। और जो आपने आपको वीकली असाइनमेंट मिली है, ठीक है, उसको आपने शीट्स के ऊपर नीटली काम करना है, क्योंकि वो आपको फिर जो फाइनल है उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे, ठीक है।
तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप अपने जो है काम को रेगुलरली याद भी करें, अपना लेसन उसको राइट भी करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।